हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अ लेसन इन इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम योर बी हाइव टेक्स्ट बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द फन दे हैड, रिटन बाय आइज़क एसिमो. तो आइज़क एसिमो एक अमेरिकन राइटर हैं एंड उसके साथ साथ एक प्रोफेसर भी हैं, और इनके जितने भी काम हैं वो साइंस और फिक्शन से रिलेटेड है. मतलब जितनी भी उनकी स्टोरी है उसमें साइंस जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली होती है, एंड इस स्टोरी में भी ऐसा ही है. सो वी विल बिगिन विथ बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. तो अभी जो हम लोग स्टोरी रीड करने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, द स्टोरी विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, रीड नाउ, इज सेट इन द फ्यूचर. ये एक फ्यूचर में सेट की हुई स्टोरी है, ये अभी की स्टोरी नहीं है. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. यानी कि जो अभी हम स्कूल्स में जाते हैं, पढ़ते हैं, जो हमारे सामने बुक्स हैं, क्लासरूम्स हैं, ये सब उस समय शायद नहीं होगा. हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन? तो क्वेश्चन ये आता है कि जब स्कूल्स नहीं होंगे, क्लास नहीं होंगे, देन हाउ चिल्ड्रेन विल स्टडी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. तो यहाँ पे नीचे कुछ डायग्राम है जिसको हम लोग देखेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, बिफोर डायग्राम को देखने के पहले आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन. दिस स्टोरी इज़ वेरी लाइट स्टोरी, इट इज़ फन एंड इट इज़ सेट इन द फ्यूचर. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट की गई है, फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाया गया है. एंड इट विल मेक ऑल ऑफ यू लव स्कूल आफ्टर वी रीड द स्टोरी. हमें स्टोरी पढ़ने के बाद हमें स्कूल से काफ़ी लगाव हो जाएगा, हम उसको लव करने लगेंगे. दिस स्टोरी इज़ रिगार्डिंग स्कूल लाइफ एंड हाउ दोज चिल्ड्रेन हु डू नॉट गो टू स्कूल मिस स्कूल. तो ये स्टोरी जो है एक स्कूल लाइफ पे डिपेंड है, और वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं वो कैसे स्कूल को मिस करेंगे. नाउ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ इन फ्यूचर व्हेन मे बी देर आर नो स्कूल्स, नोटबुक्स और टीचर्स एक्सेट्रा. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टोरी जो है फ्यूचर की है, जब स्कूल्स नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे एक्सेट्रा. सो व्हेन वी विल रीड द स्टोरी वी विल फील दैट स्कूल लाइफ इज़ वेरी गुड एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट वी हैव रियल स्कूल्स वेयर वी गो लर्न डिफरेंट थिंग्स, मीट आवर फ्रेंड्स एंड स्टडी टुगेदर. तो जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग कितने फॉर्चुनेट इनफ हैं, दैट वी आर वेरी लकी टू हैव अ वेरी गुड टीचर्स, गुड स्कूल्स, जिससे हम डिफरेंट एजुकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, या जो हम कहें कि अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जहाँ से हमें मिलती है. तो हम इस चीज़ से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट इनफ है. नाउ अभी हम लोग देखेंगे इस फिगर को कि व्हाट इज़ गिवन इन द फिगर. सबसे पहले यहाँ पे फिगर में दिखाया है सो दैट यू कैन हैव सम आइडिया. इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा हमारे सामने, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. अभी जैसे हमारे पास स्कूल है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, आप लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो है यहाँ पे कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ा जाएगा, पहला. सेकंड है वर्चुअल क्लासरूम. वर्चुअल क्लासरूम क्या है, अभी के जैसा क्लासरूम नहीं होगा, आप जहाँ भी होंगे वहाँ आपके सामने कंप्यूटर होगा, वही एटमोसफेयर होगा, वही वातावरण होगा, और उस वहीं पर आपको सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू यू हैव टू स्टडी. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड वन, रोबोटिक टीचर. ओके, रोबोटिक टीचर क्या है, इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग दैट कि ऐसा लगता है कि हाउ ह्यूमन कैन टीच, कैसे ह्यूमन पढ़ा सकते हैं, हाउ ह्यूमन कैन हैव ऑल द नॉलेज, कैसे एक इंसान एक टीचर हो सकता है. तो यहाँ पे
ये है कि उस समय एक रोबोटिक टीचर होगा जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से सारी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ फीड की हुई रहेगी और वो जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। और जो चौथा है वो है मूविंग ई टेक्स्ट। अब मूविंग ई टेक्स्ट क्या है? मूविंग ई टेक्स्ट मीन्स जैसा कि हम लोग वी सी टीवी, जैसा कि हम टीवी देखते हैं, वी सी न्यूज़ चैनल, वी सी न्यूज़ चैनल के नीचे जो है हमेशा मूव होते रहते हैं, जो न्यूज़ है वो मूव होते रहते हैं। तो वैसा ही इन फ्यूचर जो हमारी पढ़ाई होगी वो हमेशा जो हमारे सामने जो कंप्यूटर होगा, जो लैपटॉप होगा या जो मोबाइल फ़ोन होंगे, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कंटिन्यूस मूव होती रहेगी और उसको देख करके हम पढ़ेंगे। सो बाय सीइंग दिस ऑल फोर फिगर्स आई थिंक यू माइट हैव गॉट अ रफ आइडिया दैट हाउ आवर फ्यूचर स्कूल्स विल बी। आई थिंक आपको एक रफ आइडिया मिला होगा कि कैसे हमारा जो फ्यूचर स्कूल्स है वो कैसे होंगे। ओके, सो नाउ वी विल बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। सी रोट टूडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। तो यहाँ मार्गी जो है वो मेन कैरेक्टर है इस लेसन का, एंड मार्गी इज़ ए गर्ल, सी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड। और उस रात मार्गी जो है अपने डायरी में लिखती है ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। तो वो जो है डायरी में पेज हेडेड यानी कि उस डायरी में वो डेट जो डालती है वो डालती है 17 May 2157। तो अभी जो है नाउ वी आर इन 2020, अभी जो है 2020 चल रहा है। तो यानी कि वी कैन से दैट अप्रॉक्स ये वन एंड हाफ सेंचुरी आज से बाद की स्टोरी है, ये फ्यूचर की स्टोरी है और फ्यूचर में सेट की गई है। तो आपको ऐसा माइंड में सेटअप करना है कि दिस इज नॉट ए प्रेजेंट स्टोरी, ये अभी की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात है। सी रोट, वो लिखती है वहाँ पे टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। तो आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिला। सो अभी हमें लगेगा कि हमारे पास भी तो ये रियल बुक है, लेकिन ये अभी का स्टोरी नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू इट स्टोरी ऑफ फ्यूचर। उस समय कोई भी रियल बुक्स नहीं थे, कोई भी टीचर्स नहीं थे, कोई भी स्कूल नहीं थे, लेकिन उस दिन टॉमी जो है उसका एल्डर ब्रदर है, टॉमी इज़ द एल्डर ब्रदर। तो उसको जो है क्या मिलता है, एक सही का एक किताब मिलता है, जो उसके लिए क्या होगा, इट्स ए क्वाइट सरप्राइजिंग इन दैट टाइम। इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक। अब ऑलमोस्ट आई एम टेलिंग यू रफली अप्रॉक्स अगर हम माने तो 1.5 सेंचुरी। तो उस समय उसको एक रियल बुक मिला होगा, तो काफ़ी सरप्राइजिंग हुआ होगा। तो काफ़ी उस समय तक वो पुराना भी हो गया होगा। तो इट इज़ अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गिस ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल द स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं, वन सेड दैट, एक बार वो बताते हैं कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, जब उनका बचपन था, हिज ग्रैंडफादर यानी कि उनके दादाजी, मार्गी के जो दादाजी हैं उनके दादाजी, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम, एक समय था व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी कि उस समय जितने भी स्टोरीज हैं, जितने भी पोएम्स हैं या जितने भी फिक्शंस हैं, जो भी हम आजकल जो बुक में पढ़ते हैं, वो उस समय क्या होता था कि इट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर्स, पेपर्स में प्रिंट होते थे और वो कंपाइल होते थे बुक्स में और तब वो लोग उसको पढ़ते थे। दे टर्न द पेजेस विच वेयर येल्लो एंड क्रिंकली। अब उसको क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उस आफ्टर दे फाइंड ओल्ड बुक, एक पुराना किताब मिलता है, तो उनके अंदर एक क्या होगी, एक एक्साइटमेंट होगी कि ओके चलो अब इसको क्या करते हैं, देखते हैं क्या होगा अंदर, ओके हाउ इट इज़, उस समय लोग कैसे पढ़ते होंगे। सो दे टर्न द पेजेस, उसको ओपन करते हैं, उसको देखते हैं, विच वेयर येल्लो एंड क्रिंकली। तो इतने डेफिनेटली है कि इतने सालों के बाद वो बुक्स क्या होंगे पुराने हो गए होंगे, तो वो काफ़ी पीले पड़ जाते हैं, क्रिंकली मीन्स उसमें बहुत सारे फोल्ड्स आ जाते हैं, लाइन्स आ जाते हैं काफ़ी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रखा हुआ था काफ़ी लंबे समय से। एंड इट वॉज ऑफुल फनी
to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. अब ये काफ़ी funny लगता है, काफ़ी awful लगता है. क्यों awful लगता है? क्योंकि उस समय बच्चे क्या थे, वो moving e-text के माध्यम से पढ़ते थे. ऐसा shown you in the figure कि जैसे अभी आज के समय में जो न्यूज़ चैनल है उसके नीचे जो words है वो कैसे moving होते हैं, continuous move होते हैं. तो वो उस समय देख रहे हैं कि यार ये जो वर्ड्स जो है ये तो बुक में एक जगह पे फिक्स ही है, ये तो मूव नहीं हो रहा है. तो ये सब देख करके उन्हें क्या लग रहा है, काफ़ी ऑफुल लग रहा है कि ये जो वर्ड्स है वो अपने जगह पे स्टिल है, वो मूव नहीं हो रहे हैं. मूविंग द वे दे वर सपोज टू, तो सोच रहे हैं आखिर वाई इट्स नॉट मूविंग ऑन द स्क्रीन, यू नो. सो ये देख करके उनके अंदर ये काफ़ी एक सरप्राइजनेस भी आ रहा है और ये ऐसा सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न इट्स नॉट मूविंग. तो कैसे कोई भी वर्ड जो है एक जगह रह सकता है और उसको कैसे लोग पढ़ते होंगे इन ओल्डन टाइम्स. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम. अब क्या होता है, जब वो आगे फ्रंट पेज पे पढ़ लेते हैं तो कोई वर्ड्स उनको दिखाई देता है, वहाँ पे उसको पढ़ लेते हैं. फिर जब उसको पीछे टर्न करते हैं या फ्रंट साइड में टर्न करते हैं तो सेम वर्ड ही उनको वहाँ पे दिखाई देता है. तो ये सब उनके लिए थोड़ा काफ़ी आश्चर्यजनक था और इस चीज़ को देख करके वो काफ़ी हैरान भी रह जाते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जो वर्ड्स है अपने जगह पे सेम है और वो मूव नहीं हो रहे हैं. गी से टॉमी, व्हाट ए वेस्ट. अब गी जो है यहाँ पे मार्गी को जो है टॉमी एड्रेस कर रहा है. गी से टॉमी, व्हाट ए वेस्ट. ये उसको एक वेस्ट की तरह कर रहा है. व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस. यानी कि ये कह रहा है कि जब ये जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, आज हम इसको पढ़ लेते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम इसको ग्रैस्प कर लेते हैं, जब हम उसका काम ख़त्म हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं. ठीक है, हम उसका यूज़ नहीं करते हैं. तो वही यहाँ पे कर रहा है. गी सेड टू मी, व्हाट ए वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. जब हम लोग बुक्स को पढ़ लेते हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं. आई गेस आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. लेकिन वो कंपेयर कर रहा है उस समय कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ बुक्स और कहीं भी उससे ज़्यादा हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें फीड कर सकते हैं और उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स होते हैं. अगर हम चाहें तो किसी बुक को ओपन करके रीड कर सकते हैं. अगर हमें वो मन नहीं है, देन इफ़ यू वांट टू रीड सम अदर बुक, तो हम दूसरे बुक को भी ओपन करके रीड कर सकते हैं और सभी वो उस कंप्यूटर टेलीविज़न स्क्रीन में फीड होते हैं. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर और नॉट ओनली मिलियंस बुक. अब हम उसमें जितना भी चाहें हम उतना फीड कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट विद द आवर टेक्स्ट बुक. हमारे टेक्स्ट बुक में लिमिटेड पेजेस हैं तो लिमिटेड स्टोरी आ सकते हैं, लिमिटेड पोएम्स आ सकते हैं. तो ऐसा नहीं था. आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं उसको नहीं फेंकूंगा. सेम विथ माइन, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, सेड मार्गी कहती है. सी वॉज 11 एंड हैडन्ट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड, ही वॉज 13. एंड एज आई टोल्ड यू कि मार्गी जो है उसका एज 11 ईयर्स है, तो वो ज़्यादा टेक्स्ट बुक को अभी नहीं देखी थी, अभी उतना ज़्यादा उसने रीड नहीं किया था जितना कि टॉमी. क्योंकि टॉमी बड़ा था तो डेफिनेटली टॉमी ज़्यादा टेक्स्ट बुक रीड किया होगा, क्योंकि टॉमी जो है यहाँ पे 13 ईयर्स का हो चुका है. तो अगर हम जनरली भी देखें तो जो बड़े क्लास के बच्चे हैं, सपोज़ अगर 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो दे विल रीड लॉट ऑफ बुक्स, एंड इफ़ यू कंपेयर विद द 5th स्टैंडर्ड देन दे माइट हैव रीड वेरी लेस बुक्स. तो यहाँ भी वो कंपेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मार्गी जो है सी इज़ टेलिंग दैट आई हैवेंट रेड मैनी बुक्स, लेकिन यहाँ पे जो टॉमी है ही रेड अ लॉट ऑफ बुक्स. सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. अब यहाँ पे जो मार्गी है उसके अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है कि ये देख करके बुक कैसा है, इसमें वर्ड स्टिल हैं, ये मूव नहीं हो रहे हैं. तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाता है एंड सी इज़ आस्किंग वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिला. इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. अब वो उसको बुक मिला था उसके लिए एक इट वॉज ए वेरी यूनिक थिंग, तो उसको वो जो टॉमी है उसको रीड करने में काफ़ी व्यस्त हो गया. तो उसको मार्गी के तरफ बिना देखे, विदाउट लुकिंग मार्गी, ही जस्ट रिप्लाइड
अरे इन माय हाउस, मेरे घर पे मिला। वो अपना हाथ दिखाता है और उसके तरफ मार्गी की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। व्हाई ही इज़ नॉट लुकिंग एट मार्गी? बिकॉज ही इज़ वेरी बिजी इन रीडिंग बुक। वो काफ़ी बिजी हो जाता है बुक रीड करने में और उसको रिप्लाई कर देता है। इन द एटिक। अब ये एटिक क्या है? एटिक हम जिसको हिंदी में कह सकते हैं छज्जा वगैरह, बिलो द रूफ। जैसे एक छत के नीचे एक छोटा सा छत होता है, जैसे हम कोई रूम बना देते हैं और उसका जो हमारा रूफ होता है एक लो होता है और उसके ऊपर हम कुछ सामान रख देते हैं और उसके ऊपर जो है हमारा मेन रूफ होता है, मेन छत होता है, तो उसको हम एक एटिक कहते हैं जिसको सामान रखने के लिए बनाया जाता है। तो कहता है टॉमी इज़ रिप्लाइंग दैट इन द एटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मार्गी इज़ आस्किंग व्हाट्स इट अबाउट। तो अच्छा चलो क्या है इसमें? तो वो रिप्लाई करता है स्कूल। तो इसमें किस चीज़ के बारे में है इस बुक में? तो इसमें वो रिप्लाई आता है कि स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, तो ये बाई हियरिंग द रिप्लाई मार्गी जो है सी इज रिएक्टिंग इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। अब स्कॉर्नफुल क्या है? शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। अगर हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, उससे हमें कोई काम नहीं होता है या उस चीज़ में हम काफ़ी रुचि नहीं रखते हैं, उस चीज़ को हम कह सकते हैं स्कॉर्नफुल। वो स्कूल का नाम सुनते ही उसके अंदर एक डिफरेंट थिंकिंग आ जाता है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? अरे स्कूल के बारे में क्या है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके बारे में हम लिख सकते हैं, स्कूल के बारे में लिख सकते हैं? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से बिल्कुल नफरत है। नाउ मार्गी यहाँ पे शो हो रहा है कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, मार्गी का जो इंटरेस्ट है, मार्गी का जो ओपिनियन है स्कूल की तरफ। सी डजन लाइक स्कूल, सी हेटेड स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। अब मार्गी जो है वो पहले से स्कूल को हेट करती थी, बट when she knew that in that book which Tommy had found, in that book, उस book में भी school के बारे में लिखा हुआ है, ये सब चीज़ सुन करके वो और भी ज़्यादा school को वो hate करने लगती है। Now let's see what is next. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब यहाँ पे mechanical teacher, अब mechanical teacher कौन है? I told you in the beginning, mechanical teacher जो है यहाँ पे you can see in the figure कि mechanical teacher हम कह सकते हैं robots हो सकता है, ये हमारे सामने computers हैं, तो ये सब जो है हमारे mechanical टीचर्स हो सकते हैं, रोबोट जो है हमें पढ़ाएंगे, ठीक है, और हम जो भी है हम अपने सामने कंप्यूटर्स के माध्यम से हम देख करके उसको हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट। तो उसका जो रोबोट था, जो उसका सिस्टम था, उसको कंटिन्यूस बार बार उसको टेस्ट दे रहा था, टेस्ट इन ज्योग्राफी, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो मार्गी के साथ क्या हो रहा था? एंड सी वॉज नॉट डूइंग गुड इन ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में बार बार फेल हो जा रही थी और बार बार उसका टेस्ट हो रहा था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ द रीज़न सी इज़ डूइंग वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। लेकिन यहाँ पे शेकन का मतलब कि उस समय तक जब तक उसके मम्मा को जो है उसकी तरफ ध्यान जाता है, सॉरोफुली मीन्स विद अ फीलिंग ऑफ रिफ्यूजल। अब जब तक मम्मा को उसके तरफ, मार्गी की तरफ ध्यान जाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट माय डॉटर इज़ गेटिंग सो लेस मार्क्स, तो उसको पता चल जाता है कि ओके कहीं ना कहीं फॉल्ट है, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसकी जो मदर है वो किसको बुलवाती है? काउंटी इंस्पेक्टर। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है यहाँ पे? काउंटी इंस्पेक्टर अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो मैकेनिक। अगर आज के समय अगर इफ़ समथिंग इज़ हैपन इन और कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल या फ्रिज या टीवी, अगर कुछ भी ख़राब हो जाता है तो हम उसको दुकान पे मैकेनिक के पास लेके जाते हैं उसको ठीक कराने के लिए। इन द सेम वे यहाँ पे जो उसका रोबोट है, उसका जो कंप्यूटर्स हैं वो बिगड़ जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए उसकी मदर ने किसको बुलवाया? काउंटी इंस्पेक्टर को। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ पैरा, वी विल सी व्हाट इज़ गिवन इन द फोर्थ पैरा। काउंटी इंस्पेक्टर, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड ए होल बॉक्स
ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर जो है ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन। तो अक्सर हम देखते हैं किसी का चेहरा जो कैसा होता है, गोलाकार आकार में होता है, किसी का लंबा होता है। तो यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर है, जो मैकेनिक है, वो उसका जो फेशियल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, एक छोटे कद का आदमी था विथ ए रेड फेस, और उसका चेहरा कैसा था, काफ़ी लाल कलर का। एंड डेफिनेटली मैकेनिक है, तो मैकेनिक के पास क्या होगा, बॉक्स होगा, तो उसके पास भी बॉक्स थे, डायल्स थे। डायल्स क्या है, ब्लेड की तरह, ब्लेड की जैसा होता है, जैसे हम घड़ी वगैरह में डायल्स होते हैं, तो उसके पास डायल्स थे उस रोबोट को, कंप्यूटर्स को फिक्स करने के लिए, और बहुत ढेर सारे वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो आता है और मार्गी की तरफ देखता है, एंड ही इज़ गिविंग ए ब्रॉड स्माइल एंड एज वेल एज ही इज़ ऑफरिंग एन एप्पल। तो मार्गी को जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो क्या ऑफर कर रहा है, एक एप्पल उसको ऑफर कर रहा है खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके साथ साथ क्या करता है ये जो काउंटी इंस्पेक्टर जो था, उसको टीचर को अलग कर देता है, यानी कि जो उसको रीड करा रहा था, जो हमारे सामने जो रोबोट होता है वो बोलता है, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो टीचर को वहाँ से अलग कर देता है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट, मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब यहाँ पे क्या होता है, मार्गी ऐसा उम्मीद करती है, होप मीन्स उम्मीद करना, आशा करना, तो मार्गी ऐसा उम्मीद करती है कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर। मार्गी बस थिंकिंग, ओके चलो काउंटी इंस्पेक्टर ने तो सभी उसके जो पार्ट्स हैं वो खोल करके अलग कर दिए, टीचर को अलग कर दिया, उसका पार्ट्स को अलग कर दिया, अब शायद हो सकता है कि इसको एक साथ उसको फिर से फिक्स करने नहीं आएगा, ही वोंट बी एबल टू फिक्स इट अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, वो काउंटी इंस्पेक्टर था, अब हम मैकेनिक के पास जाएंगे और हम सोचेंगे चलो इसको खोल दिया, अब उसको फिक्स करने नहीं आएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। उस काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कैसे उसको सब फिक्स करना है। आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, तो लगभग एक घंटे के बाद, अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर वन आवर, एक घंटे के बाद उसने क्या किया, उसको ठीक कर दिया और सब कुछ फिक्स कर दिया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। तो फिर से वो पहले वाला सिनेरियो यहाँ पे आ जाता है कि उसका जो कंप्यूटर है वो ठीक हो जाता है, उसके सामने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का अगली कलर का कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है, रोबोट आ जाता है, एक बड़ा सा स्क्रीन आ जाता है जिस पे जो लेसन्स हैं वो फिर से डिस्प्ले होने लगते हैं, और वहाँ पे क्वेश्चंस, जैसे जो कंप्यूटर है वो उससे क्वेश्चन पूछने लगता है और उसको रिप्लाई करना होता है। तो इन शॉर्ट जैसा पहले नॉर्मल हुआ करता था वैसा फिर से इस काउंटी इंस्पेक्टर ने सब कुछ फिक्स कर दिया। दैट वॉजन्ट सो बैड, और ये उतना बुरा भी नहीं था। द पाथ मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क। नाउ अभी कौन सा पार्ट मार्गी जो है वो हेट करती थी, कि कौन सा ऐसा पार्ट था जिसको मार्गी लाइक नहीं करती थी, हेट मीन्स जिसको हम डिसलाइक करते, द पार्ट विच वी डोंट लाइक मोर। तो मार्गी जो है उस स्लॉट से नफरत करती थी, वेयर सी हैड टू पुट द होमवर्क। वहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ था जिसमें आफ्टर डूइंग ऑल द होमवर्क्स दे हैव टू फीड, उनको फीड करना होता था होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम है रोबोट उनका टेस्ट भी लेता था, और टेस्ट लेने के बाद जो है उनको एक स्लॉट, एक बॉक्स टाइप का जो बना होता है उसमें उनको क्या करना होता है, फीड करना होता है अपना होमवर्क्स, अपना टेस्ट पेपर। तो दैट पार्ट सी हेटेड मोर, वो पार्ट बिल्कुल लाइक नहीं करती थी मार्गी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम ऑन इन ए पंच कोड,
अब पंच कोड क्या है, व्हेन यू विल रीड कंप्यूटर तो उसमें आपको पता चलेगा कि पंच कोड क्या है। पंच कोड के थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का लैंग्वेज अलग है, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। तो इस हिसाब से कंप्यूटर में वो क्या करती थी, सी हैड टू राइट देम ऑल इन ए पंच कोड। वो पंच कोड के माध्यम से उस कंप्यूटर में क्या करती थी, सभी पेपर्स को और टेस्ट पेपर्स एंड होमवर्क्स वो फीड करती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्गी, ऑलरेडी हमने देखा था कि मार्गी सी वाज वेरी स्मॉल, तो जो कंप्यूटर्स हैं उसको वो काफ़ी छोटे एज से, ओके एज वी कैन सी दैट सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड एंड मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old। यानी कि वो जब 6 साल की थी उस समय से ही वो क्या कर रही है, इस चीज़ों को वो पढ़ रही है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जितने भी उस वो टेस्ट देती थी या होमवर्क देती थी तो उसको पंच कोड में फीड करना होता था, और फीड करने के बाद जो है मैकेनिकल टीचर जो है कितने टेस्ट हुए, कितना मार्क्स उसको आए या उसका क्या रिज़ल्ट है, क्या आउटकम है, वो फटाफट जैसे कंप्यूटर जो है कैलकुलेट करके उसको भेज देता था। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इन माय नेक्स्ट वीडियो। जस्ट गो थ्रू द स्टोरी टिल वेयर आई हैव टॉट यू, सो दैट यू कैन ग्रास्प इट very well. I hope you all have understood the chapter, and see you again in my next video. Thank you.